नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद में आज बीजेपी द्वारा राफेल मामले में राहुल गांधी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हालांकि मौके पर आई बारिश के चलते बीजेपी को शहर भर में अपना रोष मार्च डालना पड़ा और बीजेपी कार्यालय के बाहर ही राहुल गांधी का पुतला फूंकना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के जिला प्रधान वेद फूला ने भी बताया कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में झूठ फैलाने का काम किया, जबकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राफेल में कोई भी झूठ और कोई भी घोटाला नहीं हुआ। इसके बाद राहुल गांधी ने कोर्ट से माफ़ी मांग ली है, लेकिन अब उसे भारत की जनता से सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। अब बीजेपी द्वारा देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फतेहाबाद में भी आज राहुल गांधी का कार्य बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। पलपल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में जिला मुख्यालय के ऊपर लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने जो राफेल मुद्दे पर भ्रष्टाचार के आरोप माननीय मोदी जी के ऊपर लगाए थे और चौकीदार चोर करके उनको संबोधित किया था, तो ये देश की 130 करोड़ जनता के स्वाभिमान पर उन्होंने चोट मारने का काम किया। आज से तीन दिन पहले कोर्ट ने ये बात कही है कि राफेल के अंदर कोई गोलमाल नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और राहुल गांधी ने जो मोदी जी को सार्वजनिक रूप से चौकीदार चोर कह के कहा है तो लिखित में वो माफ़ी मांगे। कोर्ट में तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये मांग करते हैं कि वो 130 करोड़ जनता के सामने भी माननीय मोदी जी और जनता से माफ़ी मांगने का काम करें। इसीलिए हम सब लोगों ने रोष प्रदर्शन आज किया है। आज पुतला फूका है, पूरे हिंदुस्तान में रोष प्रदर्शन इस तरह के किए गए हैं। हमारा